नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। वृषभ राशि 22 से 28 जनवरी जनवरी माह का अंतिम सप्ताह आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक जीवन, सुख दुख, सफलता असफलता, क्या कुछ इस सप्ताह में हमें मिलने वाला है, इन सब की जानकारी, सेहत का हाल, शत्रु का हाल, देश विदेश की यात्रा का हाल और अन्य छोटी बड़ी जानकारियां जो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और भाग्य प्रतिशत भी, और वह उपाय भी जानेंगे जो हमारे जीवन में हमें सफलता दिलाएगा और इस सप्ताह को भी शानदार बनाएगा। शुरुआत करते हैं 22 और 23 तारीख से चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में। यह वक्त थोड़ा संभल कर बिताने का होगा क्योंकि इन दिनों में गज के योग, गुरु चांडाल दोष और ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो आपको यह वक्त सावधानी से बिताना चाहिए। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, किसी बात को लेकर क्रोध ना करें, चिंता ना करें और अनावश्यक लड़ाई झगड़े ना करें और अपनी जुबान पर काबू रखें। किसी को अपशब्द बोलने की कोशिश ना करें, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले पुनः विचार जरूर कर लें। धन का निवेश करें लेकिन बहुत बहुत ध्यान रखते हुए करें, समझदारी से करें। अनजाना सा डर आपको सता सकता है, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जितना आपको होना चाहिए। आप डर के साए में इस वक्त को बिताने वाले महिला पुरुष हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के झगड़ों में, विवादों में, दूसरे का विवाद हो उसमें ना पड़े तो बढ़िया रहेगा, अपने काम से काम रखें तो बढ़िया रहेगा। विवाहित हैं या प्रेम संबंधों में हैं तो आपके जीवन साथी को या अपने प्रेमी को धोखा देने की कोशिश ना करें, उसके साथ छल कपट ना करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। दिमाग को शांत रखें, पहले चीज़ों को देखें भालें फिर उसके लिए हाँ या ना करें, बिना सोचे समझे किसी काम के लिए हाँ या ना करें। धोखा, छल कपट या फिर जलन, ये सब अपने मन में मत लेके आए। किसी का नुकसान करके अपना भला करने की ना सोचे, नहीं तो नुकसान होगा। धन कमाएं और कमाए हुए धन का ध्यान भी रखें, परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। लालच व चालाकी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, भूल कर भी किसी को कष्ट ना दें तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 24, 25, 26 तारीख चंद्रमा मकर राशि में होंगे और नवम भाव में होंगे। यह वक्त बढ़िया है लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की बुरी संगति, बुरे लोगों के लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल यहाँ पर मिलने वाला है। मेहनत बढ़िया करेंगे, बढ़िया फल मिलेंगे। आपको ग्रह मौका दे रहे हैं इस वक्त को मेहनत करके खूब आगे बढ़ने का, खूब बढ़िया धन लाभ कमाने का, या जो भी जिसके मन में इच्छा है उस चीज़ को प्राप्त करने का। आपके नाम की जो वाहवाही होगी ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, आपके बॉस, आपके सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। आपकी संतान आपको खुशखबरी सुना सकती है, बच्चे एकाग्रता के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए वक्त बढ़िया होगा, आप अपने प्रेमी को मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं दूर रहते हैं या किसी कारण से मुलाकात संभव नहीं हो पाती है, तो इस समय अंतराल में मिलना जुलना हो सकता है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं अपने परिवार से दूर, उनका भी मिलने जुलने का चांस बन सकता है अपने परिवार से, यानी कि इस समय में उनका अपने परिवार से मिलने का कोई जो सपना था या कोई जो रास्ते में रुकावट आ रही थी वो दूर हो सकती है। यानी परिवार से या अपने प्रियतम से मिलने का वक्त है आप वृषभ राशि वालों का, जो घर से दूर रहते हैं या किसी कारणवश मिल नहीं पाते हैं। नौकरी हो या व्यापार, सफलता आपको मिलने वाली है, आपकी सेहत बढ़िया रहने वाली है, आप मेहनत करके उम्मीद से अधिक धन कमाने वाले महिला पुरुष हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, कोशिश करिएगा उनसे अपने दिल की बात कहिएगा, उनसे कोई बात छुपाइएगा नहीं, क्योंकि आपका जीवन साथी आपका कोई भी काम जो हो जिसमें आपको चिंता परेशानी लग रही हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने जीवन साथी से छुपाने की बजाय उसको बताएं, शेयर करें, उसमें आपकी वो सहायता कर सकते हैं या कर सकती हैं। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप धर्म क्रम से जुड़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। आप व्यापारी वर्ग हैं तो कुछ नया व्यापार में लेकर आएंगे, कुछ नया खोज लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपको नाम में होगा और फायदा भी होगा। आपकी यात्राएं होंगी इन तारीखों में, हृदय में प्रसन्नता, परिवार में सुख शांति और संतान का सुख धन दौलत का आगमन होगा। कुल मिलाकर समय खुशियों का है, छोटे हों बड़े हों,
कोई भी काम करते हो आप लोगों के लिए यह वक्त शानदार है, इस वक्त का लाभ उठाइए। अब बात करते हैं 27 और 28 तारीख की, चंद्रमा दसवें घर में होंगे कुंभ राशि में। आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की का दिन है, आपको चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने का दिन है, आपके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आने का दिन है, आपके घर में जो भी लोग बेरोजगार हैं या जो भी लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो कैरियर को लेकर थोड़े से परेशान हैं, उनको मार्गदर्शन दिखाएगा यह वक्त, उनको सही सलाह दिखाएगा यह वक्त और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी लोग बीमार हैं उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, आपको कोई वर्कशॉप या सेमिनार वगैरह में जाने का मौका मिल सकता है। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करेंगे और पढ़ाई लिखाई को पूरा करके ही दम लेंगे, पढ़ने लिखने में आप कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेने का मन है, कुछ निवेश करने का मन है या प्रॉपर्टी में कुछ आने का मन है, कई बार आपके पास कुछ प्लॉट वगैरह होता है या घर वगैरह होता है, उसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग विचार कर सकते हैं इस समय अंतराल में। यानी प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनते हैं और प्रॉपर्टी में कुछ नया करने के भी योग बनते हैं, और कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीद कर उसमें आप कुछ बढ़िया काम कर सकते हैं, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसको अच्छे दामों में बेचने का भी आपको ऑफर मिल सकता है, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी किराए वगैरह पर भी चढ़ सकती है। जीवन साथी के नाम पर या माँ के नाम पर अगर आप कोई काम शुभ काम शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय या कोई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है या फिर कुछ भी करते हैं जो व्यापार से जुड़ा है, तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप अपने कामों में मन लगाकर काम करेंगे, व्यस्त रहेंगे और इधर उधर की फालतू की बातों के लिए शायद आपको वक्त ना मिल पाए। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ रोमांटिक पलों का आनंद भी लेंगे, प्रेम संबंधों में भी आप अच्छे सुखद पलों का आनंद लेंगे। 28 जनवरी को आप बड़ा निवेश कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह वक्त आपके लिए शानदार है, आपके घर परिवार में खुशियां मिलेंगी, माँ के आशीर्वाद से तनाव दूर होगा, नौकरी करने वाले हैं या व्यापार करने वाले हैं वक्त का साथ मिलेगा, बच्चे अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, सेहत में सुधार होने वाला है, घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं, पास पड़ोस में आपका अच्छा साथ रहेगा, अच्छा मिलना जुलना रहेगा। यानी कि एक समाज में एक इंसान को जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो सब आपको मिलेगी, नौकरी व्यापार से लेकर घर हर जगह पे खुशहाली रहेगी, तरक्की रहेगी, अच्छे तालमेल के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुशियां पाएंगे। तो कुल मिलाकर 27 और 28 तारीख भी आपके लिए बढ़िया है। 28 तारीख को जैसे मैंने कहा आप धन निवेश कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कुछ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी रखते हुए अपने आसपास के शत्रुओं से बचिएगा। अपने आसपास के जो लोग हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और अंदर से वो आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनसे बचने की कोशिश करिएगा। यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को पहचानिए और इनसे दूरी बना के रखिए, और इनके जो भी प्रभाव होते हैं, ये लोग जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने के लिए आप सतर्क रहिएगा। तो खुशियाँ तभी मिलती हैं जब हम अपने शत्रुओं पर या परेशानियों पर या विपदाओं पर नज़र बना के रखते हैं, और जब हम अलर्ट रहते हैं तो खुशियाँ हमें ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि जब हम अलर्ट होते हैं तो हम दुखों को हराने की ताकत रखते हैं। आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 64%, एक नंबर अच्छा है। सफ़ेद रंग आपके लिए बढ़िया है। उपाय क्या करना है आपको, आपको उपाय के तौर पे सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, शिव जी की आराधना करनी है, हो सके तो आप चंद्रमा जो होता है चांदी का छोटा सा चंद्रमा, इसको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें और जलाभिषेक करें, आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ आप शुक्रवार को खीर बनाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें प्रसाद के तौर पे, और खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं तो बढ़िया रहेगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सरस्वती माँ का आराधना करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आरती गा सकते हैं, गणेश वंदना कर सकते हैं, आनंद ही आनंद। और भगवान हनुमान को बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रतिदिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है। तो इतना करिए, लाभ ही लाभ होगा। आपका जन्मदिन, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, इस पूरे सप्ताह में किसी भी दिन आपको शुभकामनाएं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आनंद ही आनंद में डूबे रहिए, और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, और धीरे धीरे आंखें खोलकर सजगता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाइए। सफलता निश्चित तौर पर आपकी होगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप में से जो लोग भी अपनी राशि का रक्षा कवच लेना चाहते हैं, वो लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ये रक्षा कवच रक्षा करेगा
अनेक प्रकार की विपदाओं से, शत्रुओं से, जादू टोने, तंत्र मंत्र, नजर लगना, ईर्ष्या करना, आपकी सफलता में जो लोग नजरें गड़ाकर बैठे होते हैं, इन सब चीजों से आपकी रक्षा करते हुए आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम मूल्यों में आपके लिए तैयार करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तैयार किए हुए हैं, जो आपकी जो कुंडली, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ या जो भी आप हमें चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे अपने जन्म से संबंधित, उसके आधार पर इसको तैयार करके बहुत जल्द आप तक कोरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। हरिओम, नमस्कार।